हाँ जी सी टेस्ट होता है एक जो स्वीटेस्ट लकब है वो सब के बीच में एक चुना जाता है उसको कहते हैं स्वीटेस्ट माने सबसे ज्यादा सीट आठ को नहीं कहेंगे। हाँ स्वीटर 108 को भी नहीं कहेंगे क्योंकि 108 के मुकाबले स्वीटर हैं आठ। सोलह हजार में तो ढेर के ढेर हैं जो दास दासी बन पड़ेंगे। बाबा ने कहा 16,000 की माला में आने से तो अच्छा है जन्म जन्मांतर साहूकार बनता रहे। बड़े बड़े साहूकार होते हैं जो महाराजाओं को भी लोन दे देते हैं और उनके घर में ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं बड़े बड़े महल मारियां होते हैं। राज दरबार में भी राजाओं महाराजाओं के साथ गद्दी जमा के बैठते हैं। तो दास दासी बनना अच्छा या साहूकार बनना अच्छा? ऐसी बात नहीं है कि 16,108 में सारे ही दास दासी बनते हैं, नहीं, ढेर के ढेर है जो दास दासी बनते हैं। इसलिए उनको स्वीट नहीं कहेंगे। और ब्रह्मा को तो महाराजा बनता है सतयुग का आदि का। सतयुग आदि में पहली पीढ़ी जो होती है उसमें तो वो महाराजा है। अपनी पीढ़ी के अंदर कहेंगे सबसे ज्यादा स्वीट। लेकिन संगम युग में जब बात आती है तो कृष्ण की आत्मा से भी ज्यादा स्वीटेस्ट कौन है? कृष्ण की आत्मा को भी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। किसके द्वारा है? अरे देवता बनता है ना कृष्ण। डॉक्टर बनते हैं डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर बनते हैं इंजीनियर्स के द्वारा। तो कृष्ण राधा आदि जो देवताएं बनते हैं उनको बनाने वाला प्रैक्टिकल में कोई होगा या नहीं होगा? कौन हुआ जिसको कहते हैं देव देव महादेव? उसको बनाने वाला प्रैक्टिकल साकार में कोई भी नहीं होता। इसलिए संगम युग में कहेंगे नारायण को स्वीटेस्ट। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो ये चारों ही लकब एक व्यक्तित्व के हैं या ये चारों अलग अलग व्यक्तित्व हैं? एक ही व्यक्तित्व है। और जिनके अंदर भक्ति मार्ग के संस्कार कोई न कोई 100% तक पहुंच जाते हैं उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो डूब गए ना, उनकी बात थोड़ी ही है। उस नैया की बात है जिस नैया पर कृष्ण कन्हैया बैठता है
चित्रों में भक्ति मार्ग में पीपल के पत्ते के ऊपर कृष्ण गर्भ महल में आराम से बैठा हुआ है पीपल की नवैया पत्ते की, इससे ज्यादा हल्की नवैया कोई होती नहीं है। पीपल का पत्ता थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, जोर से हिलेगा। ये भी माया के तूफान आ रहे हैं। इन माया के तूफानों के बीच में वो पीपल के पत्ते रूपी नवैया हिलती डुलती तो बहुत है। लोग समझते हैं अब डूब जाएगी। लेकिन बाप का दिया हुआ नारा है, वो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो सारी दुनिया को डुबोने वाला पार्ट है, डूबने वाला नहीं है। कृष्ण जैसा श्रेष्ठ पत्ता सच्ची का पहला पत्ता उस नवैया पर विराजमान है। ये जीवन रूपी नैया है, मर जाने वालों की बात नहीं है। चाहे हद में मर जाएं, चाहे ज्ञान में चलते चलते बेहद में मर जाएं, वो तो डूब गए। जीवन में रहना चाहिए, ब्राह्मणत्व का जीवन चालू रहना चाहिए। और बुद्ध रूपी हाथ की माना, जो नास्तिक लोग हैं उनको भी बुद्ध रूपी हाथ है। वो नास्तिक लोग जो एटम बम बनाने वाले हैं, ज्ञान तो नहीं ले रहे हैं, बुद्ध रूपी हाथ उनको है या नहीं? वो भाग्य बना सकते हैं है? नहीं बना सकते। तो ये बात तो गलत है कि कोई का भी बुद्ध रूपी हाथ भाग्य बना सकता है या भाग्य बिगाड़ सकता है। नहीं, ऐसा बुद्ध रूपी हाथ है जो भगवान के बुद्ध रूपी हाथ में दे दिया गया हो और सदैव ही भगवान के बुद्ध रूपी हाथ में ही रहे, कभी बिछुड़े नहीं। वो अपना भाग्य बनाएगा, बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए बोला है कि भाग्य बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ की बात है। और हाँ, वो कम कला वाला राम ही होगा। 14 कला वाला तो त्रेता के आदि में होता है, तो त्रेता के अंत में जो राम लकब वाला बनेगा वो कम से कम कला वाला होगा या 14 कला वाला होगा? है कम कला वाला होगा, उसकी कलाएं 8 कलाओं से भी नीचे पहुंच जाएंगी तो जरूर उसकी सीता चोरी हो जाती है। 8 कला से ऊपर कलाएं रहेंगी तो देवता बुद्धि कहा जाएगा। देवताओं की प्रकृति दासी बन करके रहती है, उनको दास दासी रखने की दरकार नहीं है, पहरेदार रखने की दरकार नहीं है कि कोई सीता चुरा ले जाए। प्रकृति ही दासी है,
इसलिए सीढ़ी के चित्र में लास्ट 13वां जन्म जो दिखाया है वो कटा हुआ जन्म दिखाया है, कटी हुई सीढ़ी दिखाई गई है। माने कलाहीनता आ जाती है, आधे से भी कम कलाएं रह जाती है। रावण का प्रभाव हो जाता है, रावण आता है उस समय, रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाने वाला है, रुलाता है काम विकार, वो काम विकार की शुरुआत हो जाती है। वो विकृति है, वे माने विपरीत, कृति माने कार्य, कर्मेंद्रियों से ऐसा विपरीत कार्य कराता है कि जिसके साथ कार्य करता है वो भी रोता है। और वो स्वयं भी रोता है। उससे जो पैदाइश होती है वो बच्चा भी रोते रोते पैदा होता है। नहीं तो सतयुग त्रेता में रोते रोते बच्चे पैदा नहीं होते, बड़ा सहज जन्म होता है। और अभी तो रावण राज्य इतना गहरा जाता है कि बिच्छू की तरह पेट फाड़ करके बच्चे पैदा किए जाते हैं, जिसमें रचयिता माँ को भी कितना दुख और बच्चे को भी कितना दुख होता है। और बाप को पहचानने वाले वो आत्माएं होनी चाहिए जो जन्म जन्मांतर के बड़े बड़े राजाएं बने हैं, जिन्होंने राजयोग सीखा है, वो भगवान बाप को पहले पहचानेंगे। या जो रानियां बनी हैं, राजाएं नहीं बने हैं, राजाओं की आधीनता में रहे हैं, वो आधीन रहने के स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं भगवान को पहले पहचानेंगी, या जन्म जन्मांतर स्वाधीन रहने के स्वभाव संस्कार वाली भगवान को पहले पहचानेंगी? हैं? किसको पहले पहचानना चाहिए? जिनको स्वाधीनता प्रिय है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसी स्वाभिमानी आत्माएं भगवान बाप के बच्चे बनते हैं और जन्म जन्मांतर राजाई की प्राप्ति करते हैं। पवित्रता ही अगर बड़ी चीज होती तो साधु सन्यासियों को पहले ज्ञान में आना चाहिए या पापात्माओं को ज्ञान में पहले आना चाहिए, बद्दरों को आना चाहिए? है भगवान किसको ज्ञान देने आता है? पतितों को ज्ञान देने आता है या पावन को ज्ञान देने आता है? अरे पावन को उठाया तो क्या बड़ी बात है, पतित को उठाए तो बड़ी बात है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना ये बड़ी बात है,
या ज्ञानी को ज्ञानी बनाना बड़ी बात है, है? अज्ञानी को ज्ञानी बनाना ये बड़ी बात है। और एक आदमी, राम की जो सीता है वो तभी चोरी होती है जब राम आखिरी जन्म में कम कलाओं वाला हो जाता है। कम कलाओं वाला होगा तो चोरी होगी, संपूर्ण कला वाला हो जाएगा तो चोरी हुई भी होगी तो भी वापस आ जाएगी। और बाबा जी ने आत्माओं का भक्ति मार्ग मतलब विश्वास है तो वो ज्ञान मार्ग मतलब ज्ञान बनाने के बाद जो भी विश्वास नहीं करते और मतलब कहते हैं उनका अपमान होता है तो क्या सही में उनका अपमान होता है जिनकी वो आराधना करते हैं। भक्ति कहा जाता है भागते रहो भागते रहो भागते रहो, बुद्धि भागती रहे कहीं टिके नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? सर्वव्यापी है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी गुरुद्वारा, कभी ये तीर्थ स्थान कभी वो तीर्थ स्थान कभी तीसरा तीर्थ स्थान। तो गुरु लोग खुद भी भटकते हैं, गुरुओं की भक्ति गुरुओं की बुद्धि खुद भी भटकती है, भगवान को पक्का पक्का पहचानती नहीं और अपने चेलों को भी भटकाते रहते। भक्ति है अंग श्रद्धा का मार्ग, श्रद्धा विश्वास तो अच्छी चीज है लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास बहुत खराब चीज है। इसका फाउंडेशन गुरु लोग डालते हैं जो न भगवान को खुद पहचानते हैं, अंदर से जानते भी हैं कि हम भगवान को नहीं जानते, जो शिवो हम कह के बैठते हैं वो भी जानते हैं कि हम भगवान नहीं है, पतित कर्म करते रहते हैं, आत्मा अंदर से खाती रहती है, जानते हैं अंदर से कि हम भगवान नहीं है तो भी दूसरों को पढ़ाते हैं शिवो हम तुम्हारे गुरु हैं, पहले हमारी आरती उतारो फिर मंदिर में जाके जड़ चित्रों की आरती उतारो। तो भक्ति है बुद्धि को भगाने वाली, बुद्धि थमती नहीं है कहीं भी, और ज्ञान है बुद्धि को थमाने वाला। लेकिन वो बोलते हैं कि उन आत्माओं का फिर अपमान होता है, अपमान होता है जिसकी मतलब आराधना करते हैं उनका अपमान होता है। जो गड्ढे में जाते रहते हैं तब अपमान महसूस नहीं करते? जब नाक रगड़ते रहते हैं गड्ढे में तब अपमान महसूस नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं? तब समझते हैं कि हमारी शक्ति क्षीण हो गई, हम नरक में जा रहे हैं, नरक में गोते खा रहे हैं। भगवान तो हमको ऊंचा उठाने आया है और मनुष्य गुरु हमको नीचे गिराते हैं भक्ति सिखा करके। खुद की भी बुद्धि भागती रहती है और दूसरों की बुद्धि को भी भटकाते रहते हैं। हाथ उठाओ, तो गलत कहा जाता है क्या? ज्ञान मार्ग में भी कोई से अगर संदेश ही नहीं मिलेगा, कोई से ज्ञान ही नहीं मिलेगा साकार व्यक्ति से, तो ज्ञान कैसे कहा जाएगा? ज्ञानी बन जाएंगे है? कोई न कोई गुरु तो जरूर चाहिए।
और जिसको पहले ज्ञान मिलता है और दूसरों को ज्ञान देने के निमित्त बनता है, उसका आदर सत्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हैं? करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की क्या गलती हुई? भक्ति मार्ग के साक्षात्कार हुए, अपने गुरु से पूछा, आने भी गीता जाहिर कर दी, पहले के गुरुओं से भी पूछा, 12 गुरु किए थे, उन्होंने भी ना कर दिया, वाराणसी में जाकर के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, उन्होंने भी ना कर दिया, फिर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस व्यक्ति को बहुत होशियार समझा, वो था उनका भागीदार, जिसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने अपनी सारी करोड़ों की दुकान सौंप रखी थी, उसके पास गए और वहां पहुंचते ही उनको अपने साक्षात्कारों का रहस्य पता लग गया। फिर ब्रह्मा बाबा ने उस व्यक्ति को अपना सदगुरु माना, अपना गुरु माना, गुरु का मान दिया कि और ही कोर्ट कचहरी होने लगी, झगड़े हो गए। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है, गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान को होए विराग बिनु। सच्चा ज्ञान, सच्ची जानकारी, सत्य की जानकारी, सत्य अर्थात भगवान की पहचान तब तक 100% नहीं होगी जब तक इस दुनिया से वैराग नहीं आया है, और वैराग आता है जब दुनिया से ठोकर मिलती है। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। गुरु जरूर चाहिए, जो हमें संदेश देता है, जिसके द्वारा हमको सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है। है तो ईश्वर की नॉलेज, लेकिन निमित्त कौन बना? पूर्वजन्मों का कोई हिसाब किताब है ना, जो वही व्यक्ति हमारा निमित्त बना? जरूर उसने अच्छे कर्म किए हैं, तब तो हमको रास्ता बताने के निमित्त बना। तो उसका मान सम्मान नहीं करना चाहिए? है, ब्रह्मा बाबा को मुरली में बाबा ने बोला कि अपने को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहना रंग है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना भी रंग है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा के ऊपर भी कोई बप्पा बैठा हुआ है, उसको क्यों भूल जाते हो? इसलिए लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, फिर भी नहीं समझ में आया। आज तक भी अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी ही लिखते हैं, न ब्रह्मा को उस प्रजापिता की वैल्यू का पता चला और न ब्रह्मा कुमार कुमारी को उस प्रजापिता की वैल्यू का पता चला, उसका नाम निशान उड़ा दिया। पहले तो बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां बोलती थी भाषण में, पीहू की वाणी, जब से एडवांस ज्ञान मैदान में प्रत्यक्ष हुआ तब से प्रजापिता का नाम लेना ही बंद कर दिया। तो भक्ति बढ़ेगी या ज्ञान बढ़ेगा? है,
जो भी बी के आश्रम है उन सब में देखो जाके वो ही भक्ति मार्ग का प्रोपोगंडा बढ़ता चला जाता है और ज्ञान मार्ग सारा उड़ गया। इसलिए ये जो कहावत है भक्ति मार्ग में, गुरु जरूर चाहिए, गुरु की महिमा है, लेकिन गुरु गुरु है, सदगुरु नहीं है। वो गुरु ज्ञान देने के निमित्त बन सकता है, हमको संदेश देने के निमित्त बन सकता है, लेकिन हमारी सदगति नहीं कर सकता। और भगवान के यहाँ छोड़ के आई, बेच के आई, तो गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे घर वाले कहते हैं, गांव वाले कहते हैं, तो गांव वालों को कहो बच्चे तुमने पैदा किए कि हमने पैदा किए, बच्चों की ज्यादा चिंता हमको होगी कि तुमको होगी। हाँ, कैटेगरी है याद की भी, जैसे भक्ति में कहते हैं नौदा भक्ति, क्या नौ प्रकार की भक्ति, जब नौ प्रकार की भक्ति है तो कोई ऊंचे से ऊंची भक्ति भी होगी, उसे कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति, जो द्वापर के आदि में थी और अभी है व्यभिचारी भक्ति। तो जो अनेक प्रकार की भक्ति है वो एक दूसरे से नीची नीची है, क्या आपको समझ में आया अपना जवाब है? ये सेवा करना जो है वो भी याद करना तो है, लेकिन वो ऊंची कोटि की याद नहीं है, जिस ऊंची कोटि की याद से एक सेकंड में हम नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, हाई जंप लगा जाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु कितनी देर में बनता है? एक सेकंड में। वो एक सेकंड है उसकी 100% ज्ञानी बनने की स्थिति। भक्ति मार्ग में जो भी छठा कर्म करते हैं वो बुद्धि से समझ के करते हैं कि बेसमझी से करते हैं? है, बेसमझी से करते हैं। इसका नाम चौथ भी रखा हुआ है, क्या चौथ को अच्छा माना जाता है बुरा माना जाता है? है, तजी या चौथ के चंद की नाई, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तो खराब माना जाता है, और वैसे भी दुनिया में चौथ खाना अच्छी बात है या खराब बात है? ये खराब बात है, तो उसका नाम ही है करवा चौथ, क्या करते तो हैं और वाहवाही भी मनाते हैं,
माताएं बहुत खुश होती हैं, लेकिन ये नहीं समझती कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अकल का काम नहीं है। हेलो, कौन सी माता ने पूछा? हाथ उठाना जरा। हाँ, अभी करवा चौथ कर रहे हैं क्या? अब नहीं कर रहे? अच्छा 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 अरे कोई क्या कहता है, कोई क्या कहे, इन बातों में क्यों पढ़ते हो? भगवान क्या कहता है इन बातों में पढ़ो ना। वो ये कहती हैं, वो ये कहती हैं, वो कहती हैं। अरे ये तो दुनिया है, 500 करोड़ की दुनिया, 500 करोड़ की बातें करेगी? कहाँ कहाँ बुद्धि को रमाते रहते, वो ही बातें बुद्धि में घूमती रहती हैं। और हाँ रावण कुंवर, हाँ जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, ये गुरु लोग हाँ के लिए इशारा नहीं किया। हाँ, पास में बैठे हुए गुरुओं की तरह इशारा है। वैसे भी देखा जाए तो गुरु लोग समझ करके काम करते हैं कि बेसमझी से काम करते हैं? हैं? जो भी काम करते हैं या अपने चेलों से कराते हैं या अपने भक्तों से कराते हैं, वो समझ की बात होती है, बुद्धि से उस बात का विश्लेषण करके काम करते हैं, भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म कांड कराते हैं, तो बुद्धि से समझ करके कराते हैं कि बेसमझी से कराते हैं? है? बेसमझी से कराते हैं। उन बेसमझी से कराने वालों में अव्वल नंबर गुरु कौन है? फाउंडेशन तो सारा यहां पड़ता है। इतना विस्तार में ज्ञान समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है, और बुद्धि के आधार पर ही समझा जाता है, समझाया जाता है, लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए उनको कहते हैं अड़ियल बैल। ये गुरु लोग भी अभी ज्ञान को समझ रहे हैं क्या? अंदर से समझते हैं कि इनकी बात सच्ची है, लेकिन मान मर्तबे के कारण मानते नहीं है। और ये गुरु लोग अंत तक नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब इनके सारे फॉलोअर्स अच्छे अच्छे जो उनको बैठाते हैं, मान देते हैं, मर्तबा देते हैं, वो सारे ही टूट जावेंगे, तब आकर के नाक लटका देंगे। और एक मिनट, हाँ बाबा हमें गले लगा आपको कभी सपना हुआ कि नहीं? आपको कभी सपना होता है कि नहीं? वो सपना कभी सच्चा निकलता है कि नहीं? सच्चा भी निकलता है, माने आपकी मेंटेलिटी जब सच्ची होती है और वायुमंडल भी सच्चा होता है, सवेरे का वायुमंडल होता है, उस समय जो सपना होता है वो मोस्टली सच्चा निकलता है।
ऐसे ही बंद आंखों का साक्षात्कार भी गाया हुआ है भक्ति मार्ग में। क्या जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है जन्म जन्मांतर की, और जो आत्माएं बुद्धि की तीखी नहीं होती है लेकिन भोली भाली है, ऐसी भोली भाली आत्माओं को भगवान प्रसन्न करेगा, प्रसन्न रखेगा, या आएगा इस सृष्टि पर तो दुख देगा, प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, क्योंकि पवित्रता उन आत्माओं को प्यारी है और भगवान को भी उनका पवित्र जीवन प्यारा है। इसलिए उन आत्माओं को बहलाने के लिए, क्योंकि भगवान के तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक तो राजा महाराजा बनने वाले, क्या दूसरे हैं प्रजा बनने वाले, है या नहीं, और तीसरे हैं भक्त। तो राजा महाराजाओं बनने वालों को तो बहुत प्राप्ति हो जाती है भगवान से, और जो भगवान से डायरेक्ट भगवान की प्रजा बनते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, माने संगम युग में, संगम युगी स्वर्णिम युग की प्रजा 4.5 लाख, वो प्रजा भी बहुत ऊंची कोटि की होती है, यथा राजा तथा प्रजा गाई हुई, वो पहले जन्म का गायन है, तो प्रजा भी बहुत कुछ प्राप्ति कर लेती है। जब महाविनाश होगा तो 500-700 करोड़ मनुष्यों की नजर किनके ऊपर लगी होगी, है उसी प्रजावर की श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर उनकी नजर लगी हुई होगी, तो वो भी श्रेष्ठ हो गई। बाकी तीसरी कैटेगरी है भक्त, वो भक्त जो है बड़े ठगत हैं, भगत बड़े ठगत, बेचारे ठगी में ही लगे रहते हैं और बेचारे कुछ प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों पर भी भगवान को बहुत रहम आता है, आखिर हैं तो मेरे ही भगत। भक्तों में जैसे नारद श्रेष्ठ गाया हुआ है, नारद का जीवन क्या है, दूसरों से कहता फिरेगा चलो वैकुंठ चलो वैकुंठ, खुद कहाँ चक्कर काटता है, सारी दुनिया में चक्कर काटता रहता है, अपने जीवन को परिवर्तन करने की बात नहीं, दूसरों को रास्ता बताते रहे, उसको कहेंगे भक्ति मार्ग भगत। बुद्धि भागती रहती है भागती रहती है, पक्का निश्चय और विश्वास नहीं हो पाता, तो ऐसे भक्तों को भी कुछ न कुछ संगम युग में, संगम युग की जो विशेष प्राप्ति है, क्या खुशी, संगम युग है मौजों का जीवन, मौजों का युग है, इस मौजों के युग में वो ज्ञान के आधार पर तो ले नहीं पाते, तो कम से कम साक्षात्कार के आधार पर उन्हें कुछ तो मिले, कुछ तो खुशी में रहे, वो साक्षात्कार की खुशी अविनाशी खुशी है, हमेशा रहती है या थोड़े टाइम रहती है, थोड़े टाइम रहती है, तो थोड़े टाइम का उनका सुख की शूटिंग हो जाए तो उसमें आपको तकलीफ है क्या, है खुश रहने दो उनको, उनको अगर खुशी आती है कि हमें भगवान मिला, उन्होंने हमसे ऐसे कहा ऐसे चलाया, यहाँ ले गए वहाँ ले गए, हमको ये खिलाया हमको वो खिलाया, हमने भोग लगाया, अच्छा अच्छा ठीक है, जो हमारा दुश्मन का भी दुश्मन है वो हमारा दोस्त, हाँ ये माया का ज्ञान है, क्या माया का ये ज्ञान है, क्या ज्ञान है माया,
जो ब्राह्मण बच्चे हैं बाप के, उन बच्चों से लड़ाई लड़ते 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 तंग आ गई। अब देखो वाणी में क्या बोला, माया अब थक चुकी है, माया अब तंग आ चुकी है। जिन दिनों कुमार का दादी हॉस्पिटलों में चक्कर काट रही थी ना, एक हॉस्पिटल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे में, पांचवे, छठे, सातवें में, उस समय की ये वाणी बोली हुई है कि माया अब तंग आ चुकी है, थक चुकी है, तो शरीर छोड़ने के बाद फिर अव्यक्त वाणी में बोला कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। किससे हाथ मिला लिया? प्रकृति से। प्रकृति के कितने तत्व हैं? पांच तत्व हैं। पहला तत्व कौन सा है? मुख्य पृथ्वी। तो जो पृथ्वी के रूप में प्रकृति का मुख्य स्वरूप है, जिसको कहते हैं सारे जगत की माता, कौन? पृथ्वी। उसका सारे जगत की माता जगदम्बा से हाथ मिला लिया। वो जगदम्बा जो तमो प्रधान होने पर महाकाली का रूप धारण करती है, और महाकाली का रूप धारण करके जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं उन सब को ज्ञान से तोड़ देती है, ऐसी ग्लानी करती है। तो प्रकृति भी माया से हाथ मिला करके बाप की दुश्मन हुई या दोस्त हुई? हैं? क्या हुई? हैं? धीरे से बोलते, दुश्मन तो थी ही। प्रकृति जो है वो बाप के अपोजिशन में आ गई, और माया ने देखा कि ये बाप की दुश्मन है, और जो बाप है उसको मैं प्रत्यक्ष नहीं होने दूंगी। प्रत्यक्ष होने देती है? हैं? नहीं प्रत्यक्ष होने दूंगी, उल्टी पढ़ाई पढ़ाती रहूंगी बच्चों को। बच्चे कहेंगे बाप आया हुआ है, साकार में आया हुआ है। माया कही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा झूठी बातें हैं। वो भगवान बाप नहीं है, शैतान है, शैतान। नहीं मानते हो तो देखो हम ये अखबार, इन अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में देखो, ये शैतान है या भगवान है? भगवान ऐसा होता है? तो माया अपोजिशन करती है बाप का, अपोजिशन करते करते जब 7-8 साल में थक जाती है और देखती है कि बाप का जो परिवार है वो तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है, जब माया ने हमला किया जोर से, द्वापर के आदमी हमला करती है ना माया, है? जोर से हमला किया, तो माया ने समझा मैं विजयी हो गई। ये द्वापर युग की शूटिंग की बात है, 1998 की 1999 की। और जब 10-12 साल लगातार देखा कि ये तो एक जगह से लेकर के सारे भारत में मिनी मधुबन ही मिनी मधुबन फैल गए, इनकी तो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, मेरे बच्चे इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, मेगा प्रोग्राम, मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस वगैरह, कितना पंप एंड शो करते हैं, फिर भी जो बच्चे निकलने चाहिए वो नहीं निकलते हैं,
जो आदि में वारसदार निकले वो वारसदार तो निकलते ही नहीं। तो लंबे समय के इस संघर्ष के बाद माया दम तोड़ देती है, माया थक गई है, आखिरी दम तोड़ दिया। फिर युक्ति सूझी, माया बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान बाप की बच्ची बुद्धिमान नहीं होगी तो क्या होगी? तो अकल भिड़ाती है। जो अकल अभी कोई माता जी ने बोली, क्या ये माया की अकल है क्या कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है? तो बाप है हमारा दुश्मन, मैं बाप को संसार में प्रत्यक्ष नहीं होने दूंगी। और बाप की जो पत्नी है, बाप को प्रकृति पति कहा जाता है, तो जो बाप की पत्नी है, पृथ्वी माता कहो, प्रकृति माता कहो, कुदरत कहो, नेचर कहो, जो भगवान बाप की अव्वल नंबर रचना है, पहलौटी की रचना है, वो रचना माया देख रही है कि बाप की विरोधी बन के बैठी हुई है। क्या विरोधी? किस आधार पर? जो अभी किसी बच्चे ने पूछा, राम की सीता चोरी हो गई, तो राम की जो सीता चोरी हो गई वो डुप्लीकेट सीता थी या अव्वल नंबर सीता थी? शास्त्रों में लिखा हुआ है असली सीता को तो राम ने कहा, तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशा करनाशा। जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं तब तक तुम योग अग्नि में पावक में निवास करो। तो वो तो योग अग्नि में बैठ जाती है, बाकी दूसरी सोने की मूर्ति, जड़ तत्व की मूर्ति तैयार की और सीता बना के बैठा दी। ये जड़ तत्व पृथ्वी से ही निकलते हैं, वो सीता पृथ्वी से ही निकलती है और पृथ्वी में ही समा जाती है। वो पृथ्वी माता से, प्रकृति माता से माया बेटी ने क्या कर लिया? हाथ मिला लिया। अब माया तो ऐसे ही सर्वशक्तिमान गाई हुई है, लेकिन बच्चों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। तो माया इतनी पावरफुल नहीं है, भले माया सर्वशक्तिमान गाई हुई है, वो बुद्धि के आधार पर उसने ऐसी आसुरी बुद्धि चलाई। कैसी? जैसे पीछे किसी ने बताई, क्या दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, तो ये बुद्धि भिड़ा करके उसने पृथ्वी माता कहो, धरती माता कहो, प्रकृति माता कहो, उससे हाथ मिला लिया और पावरफुल बन गई। इतनी पावरफुल बन जाती है कि जगत पिता बाप को चुपचाप शांत होकर के मुर्दा बन के लेट जाना पड़ता है। कुछ नहीं बोलना है, अभी हमारा टाइम नहीं है। वो माया बेटी महाकाली पर सवार होकर और वो विनाश मचाती है ब्राह्मणों की दुनिया में, कि ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ही असुर भरे पड़े हैं, थोड़े से सूर्यवंशियों को छोड़ करके।
90% दूसरे दूसरे धर्म की आत्माओं के बीज हैं, जिनको घड़ी घड़ी अनिश्चय आता रहता है, ये बाप नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो शैतान है, शैतान। ऐसे अनिश्चय बुद्धि असुरों को, जिनकी बुद्धि से ढेर के ढेर प्रश्न रूपी रावण के सिर निकलते रहते हैं, सांप को मार देती है। तो जगत पिता बाप क्या सोचता है? सोचता है कि जो सूर्यवंशियों की स्थापना मुझे करनी है वो तो मैंने कर दी, उनका तो माया अथवा प्रकृति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, बाकी जो 90% माया भी है उनको तो माया विनाश कर देगी। ये विनाश का काम बाप सोचते हैं, मेरा ही तो है, विनाश किसके द्वारा गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। मुरली में कहा है, मैं थोड़े विनाश करता हूं, करता नहीं हूं लेकिन कराता तो हूं। तो शक्तियों को प्रेरणा देता है, वो शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई है, उनमें अव्वल नंबर है महाकाली, और वो एक नहीं है, हजार की हजारों भुजाएं हैं जो महाकाली की सहयोगी बनती है और बाप का काम तमाम कर देती है। आसुरी सृष्टि का ब्राह्मणों की दुनिया से विनाश हो जाता है। ब्राह्मणों की नौ कुरियां नंबरवार गाई हुई है, वो नंबरवार नौ कुरियां खलास हो जाती है और एक श्रेष्ठ कुरी सूर्यवंशी बचती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ये बात गाई हुई है, मुरली में बाबा ने नहीं बोला है। क्या दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है? मुरली में तो बाबा बताते हैं पांडवों का कोई भी दुश्मन नहीं, पांडवों के तो सब सारी दुनिया दोस्त है, आज नहीं तो कल दोस्त बन जावेंगे, क्योंकि सारी दुनिया को बाप को पहचानना है। ऐसी मनुष्य सृष्टि की एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो गॉड फादर बाप को न पहचाने न माने, तो दुश्मन होने की तो बात ही नहीं। ये मायावी ज्ञान है क्या? क्या दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है? और बारह के साथ धर्मी आपस में एड हो जाते हैं तो चौरासी हो जाते हैं। बारह के हाँ सात धर्मी से एड हो जाते हैं तो चौरासी हो जाते हैं। 12 सत्ते 84 चौरासी घंटी घंटे वाली देवी के भगत बन जाते हैं। हाँ है, उनके 84 जन्म होते हैं, 84 जन्म लेंगे तब तो 84 जन्मों में पाठ बजावेंगे। जो और धर्मों के फॉलोअर्स हैं और धर्मों के बाप को अपना बाप बना लेते हैं, वो कम जन्म लेंगे या 84 जन्म लेंगे? कम जन्म लेंगे। पहुँचाना
हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तो सबसे ऊंची आत्मा है, उन्होंने मुसलमानों या इस्लामियों ने संगम युग में जब भगवान बाप आया और विनाश महाविनाश हुआ तो उन्होंने ये भी अनुभव किया कि अल्लाह अव्वल दीन कोई है जो अव्वल नंबर धर्म की दीन की स्थापना करता है, वो तो अल्लाह है, लेकिन उसके साथ साथ कोई अकबर भी है। उस अव्वल नंबर दीन अव्वल नंबर धर्म में तो हम जाने वाले नहीं है, लेकिन उसका कोई साथी है। जिसका नाम उन्होंने रखा है अकबर, बर माने श्रेष्ठ, अक माने अक का फूल, जो अक का फूल होता है छोटा सा होता है, लेकिन उसमें ऐसी शिस्त है कि पेट की बहुत सफाई करता है, दवाइयों में बहुत काम आता है, ये जो आतंकवादी निकले हैं दुनिया में ये कौन से धर्म के हैं? है वही इस्लाम धर्म के। वो ऐसे फॉलो करने वाले हैं जिनके भय से आज दुनिया के बड़े बड़े शासक थर्राए रहे हैं। पता नहीं हमारी आखिरी श्वास कब आ जाए। तो उनका बुद्ध रूपी पेट साफ हो रहा है या नहीं साफ हो रहा है? है? जो भय से भयभीत हो रहे हैं, कांप रहे हैं, उनके बुद्ध रूपी पेट की सफाई हो रही है कि हम जो गलत काम कर रहे हैं वो गलत कामों का अंजाम कभी भी हमारा सर कलम किया जा सकता है आतंकवादियों के द्वारा। तो वो आतंकवादी या उनका सरगना, जो मुखिया है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, जो बुद्धि के थर हैं, कैसी बुद्धि है? ज्ञान की बातों में उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है, लेकिन जो पेट है उस पेट की सफाई करने में तामसी स्टेज में बहुत सहायक बनते हैं। उनका मुखिया कौन हुआ? है? उनका मुखिया हुआ जिसे कहा जाता है अल्लाह के साथ अकबर। हिंदुओं में अल्लाह किसको माना है? हैं? अरे हिंदुओं में अल्लाह किसको मानते हैं? अच्छा ब्राह्मणों में अल्लाह किसको माना है? अल्लाह माने, अल्लाह माने ऊंचते ऊंच कौन सी आत्मा है? शिव है।
और उसका साथी कौन है? शंकर। शंकर अभी अधूरी स्टेज में है, यह संपूर्ण स्टेज में है? अधूरी स्टेज में है। अधूरी स्टेज में होते हुए भी जो उसमें से गंध निकल रही है, उसे खुशबू तो नहीं कहें, क्या कहें? खुशबू नहीं कहें, लेकिन बदबू तो कहें। बदबू भी नहीं कह सकते, खुशबू इसलिए नहीं कहेंगे कि परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है प्रैक्टिकल जीवन में, नहीं? और बदबू इसलिए नहीं कहते कि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो उस बू को ग्रहण करना चाहते हैं या फेंकना चाहते हैं, तो ग्रहण कर रहे हैं, तो बदबू भी नहीं है। लेकिन बुद्रूपी पेट को सफाई बहुत कर रही है। जिनका मनन चिंतन मंथन उस ज्ञान के आधार पर चल रहा है, उनके बुद्रूपी पेट की सफाई हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो वो है अकबर। अक के जितने भी फूल हैं दुर्गंध फैलाने वाले, वैसे फूल होते हैं सतयुग में। फूल कहा जाता है सुखदाई को। फूल होता है हल्का, खुद भी हल्का होता है, दूसरों को भी हल्का बनाता है। खुद भी भारी नहीं होता और दूसरों को भी भारी नहीं बनाएगा। कांटा नहीं कहेंगे, फूल है लेकिन छोटा फूल है। अक के फूलों में वो श्रेष्ठ है। कैसा फूल है? बर। तो नाम क्या पड़ा? अकबर। जो हिंदुओं में याद करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, ऐसे ही मुसलमानों में भी किसको याद करते हैं? अल्लाह अकबर। भाषा का भेद है, अर्थ का कोई भेद नहीं है।